स्टूडेंट्स, आप सभी ने रूबिक क्यूब तो खेला ही होगा, सबने कोशिश की होगी उसमें कलर्स अरेंज करने की एंड पर हो नहीं पाता। हम कलर्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेप की। सो स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस किया है उसकी शेप कैसी होती है? स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफरेंट है तो स्क्वायर की तरह, बट थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने कार्डबोर्ड्स देखे होंगे, गत्ते के डब्बे, बॉक्सेस, जिसके अंदर घर में सामान आता है या सामान पड़ा रहता है या आपके घर वाले स्टोर करके रखते हैं सामान। सो कभी आपने उसकी शेप नोटिस की है? सो स्टूडेंट, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी रूबिक क्यूब की और इसकी, इन बॉक्सेस की शेप कुछ सेम होती है, थोड़ा थोड़ा स्क्वायर से रिलेट कर रहा है बट नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर। तो ये क्या है? स्टूडेंट्स, दीज आर क्यूब्स। Hi students, today we are going to start our new chapter, that is cubes and cube roots. So students, what is cube? Cube is a symmetrical three-dimensional shape, either solid or hollow, contained by six equal squares. So students, definition se confused nahi ho raha, wo kya kehna chah raha hai? Dhyan se padho. क्यूब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल फिगर होती है, डैट मीन्स उसमें वॉल्यूम आ जाती है, मतलब उसमें गहराई होती है। कोई क्यूब वाला बॉक्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको गत्ते के बॉक्स का, आप उसके अंदर सामान डाल सकते हो ना, हॉलो होता है ना। सो दिस इज़ व्हाट क्यूब सेज, उसमें एक एक्स्ट्रा हमारे पास डायमेंशन आ जाती है, वो होती है हाइट और सिक्स स्क्वायर्स। सो स्टूडेंट्स, कोई भी क्यूब देखना, वो सिक्स स्क्वायर्स का कंसिस्ट होता है, चार उसकी वॉल्स, एक पैरेलल वॉल्स हो गई, उसके अलावा उसका बेस वो भी स्क्वायर होता है और उसका जो रूफ होता है वो भी स्क्वायर होता है, और ये सारे स्क्वायर्स इक्वल साइड्स के होते हैं। स्क्वायर तो आपको पता ही है, इनकी साइड्स इक्वल होती है। सो जो हमारा क्यूब होता है उसकी जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट, वो तीनों भी इक्वल होती है। जहाँ वर्ड आ जाता है क्यूब, इसका मतलब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, डैट मीन्स गहराई की बात कर रहे हैं। Now students, you might be thinking कि square और cube में difference क्या होता है? दो cube जो होता है वो squares का ही बना होता है, six squares का। So still what is the difference? So सबसे बड़ा difference यहाँ पे ये है कि जो square होता है वो two dimensional figure होती है, that means square की सिर्फ length और ब्रेथ होती है, उसकी कोई हाइट नहीं होती और ना ही उसकी कोई वॉल्यूम होती है। वो बस एक सिंपल स्क्वायर होता है जो कि हम एक पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या एक पेपर ही ले लेते हैं, वो भी स्क्वायर शेप में होते हैं। जबकि जो क्यूब होता है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर होती है। थ्री डायमेंशन से यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के अलावा एक और डायमेंशन होती है, डैट इज हाइट, मतलब यहाँ पे एक गहराई आ जाती है, एक वॉल्यूम आ जाती है जिसके अंदर आप कुछ सामान भी रख सकते हो। एग्जांपल जैसे रूबिक बॉक्स मैंने कहा था, वो भी आपका एक क्यूबॉइड है। सो ऐसे बॉक्सेस होते हैं, दीज आर क्यूब्स, मतलब जिसमें वॉल्यूम होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, स्क्वायर इज़ अ टू डायमेंशनल फिगर एंड क्यूब इज़ अ थ्री डायमेंशनल फिगर। ये तो था स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकली, बस समझने के लिए डायग्राम में कि आखिर क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन हम इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं? हम जो इस चैप्टर में क्यूब्स पढ़ने वाले हैं वो है एलजेब्रिक क्यूब्स, मतलब जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, उसी तरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल सी व्हाट आर क्यूब नंबर्स और परफेक्ट क्यूब। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्री टाइम्स, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स। मतलब स्क्वायर में हम क्या करते थे, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, सपोज टू का स्क्वायर है, तो हम क्या करते थे, टू को दो बार मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैंने पूछा है टू का क्यूब फाइंड करना है, तो दिस टाइम व्हाट वी विल डू, हम टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो उधर टू टाइम्स करना था, इधर कितने टाइम्स करेंगे, थ्री टाइम्स। सो अगर मैं टू को तीन बार मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हो जाएगा टू क्यूब, डैट इज वो क्यूब नंबर है, हो जाएगा एट। एग्जाम्पल्स लेते हैं क्यूब नंबर्स के, वन, एट, वन इंटू वन इंटू वन स्टूडेंट्स वन होता है, एट मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, टू इंटू टू का क्या होता है, एट होता है, डैट मीन्स टू का क्यूब एट होता है। उसके बाद आता है 27, 27 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट, थ्री का। थ्री को अगर आप तीन बार मल्टीप्लाई करोगे बाय इटसेल्फ, यू विल गेट 27, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू थ्री 27। इसी तरह आप और भी क्यूब्स निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस टेबल, स्टूडेंट इस टेबल में
आपको क्यूब्स दे रखे हैं 1 से लेके 10 तक, आपको उनके क्यूबिक नंबर्स दे रखे हैं. 1 का क्यूब क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, वी कैन सी फ्रॉम दिस टेबल. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है. यहाँ पर हम देख सकते हैं देर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000. मुझे कैसे पता लगा कि इसके बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब्स है 1 से 1000 के बीच में. सो इट इज़ वेरी सिंपल. हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से. 1 का क्यूब क्या होगा, 1. अब लास्ट में आ जाओ 10. 10 का क्यूब क्या होगा, मतलब 10 को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 10 into 10 into 10, 1000. सो यहाँ से मुझे पता लग गया 1 से लेके 1000 तक सिर्फ 10 ही परफेक्ट क्यूब्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100. सो 1 और 100 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब्स होंगे स्टूडेंट्स, लुक एट द टेबल. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 का क्यूब क्या है, 1. 2 का क्यूब क्या है, 8. 3 का क्यूब क्या है, 27. 4 का क्यूब क्या है, 64. नाउ स्टूडेंट्स 5 का क्यूब क्या है, इट इज 125. दैट मीन्स विच इज ग्रेटर देन 100. तो इसका मतलब 5 तो पर्फ जो 125 है वो तो 1 से लेके 100 के बीच में नहीं आता ना. सो दैट मीन्स कि हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर बिटवीन 1 to 100, 4. 64 इज द लार्जेस्ट नंबर. ओके, सो मतलब देयर आर 4 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 to 100. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, परफेक्ट क्यूब्स से उनका मतलब है जैसे सपोज 64 है, 64 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, मतलब उसका अगर एलसीएम निकालूँ, व्हाट आई विल गेट, 4 into 4 into 4, मुझे ट्रिपलेट मिल जाएगा. इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है. अगर मुझे ट्रिपलेट नहीं मिलता दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. वो हम आगे और एग्जांपल्स में देखेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स वील सी सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट्स में देखे थे एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. जैसे हमने स्क्वेयर्स में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करे थे, वैसे ही यहाँ पे हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करने हैं. सो जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, सो स्टूडेंट्स आप पैटर्न से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे. यस, हमने 1 का क्यूब किया, हमने पहले सिर्फ 1 लिया, सो व्हाट आई एम गेटिंग, ओनली 1. 1 को 1 क्यूब लिख सकती हूँ क्योंकि 1 क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1. नाउ कम नेक्स्ट, 1 के बाद ऑड नंबर क्या होता है, 3, और 3 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होता है, 5. मैं यहाँ पे 2 ऑड नंबर ऐड करूँगी, सो 5 plus 3, 8. 8 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स, 2 का. 8 को मैं लिख सकती हूँ ना, 2 into 2 into 2, दैट मीन्स मुझे ट्रिपलेट मिल गया, दैट मीन्स दिस इज 2 क्यूब. और मैंने यहाँ से सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्यों लिए, क्योंकि मैं 2 का फाइंड कर रही थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब मैं 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लूँगी आगे के. 5 के बाद क्या है, 7. 7 plus 9, 9 plus 11, व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 क्यूब. सो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम पैटर्न आगे बढ़ेंगे, सो हेयर वी कैन नोटिस कि 5 पे आए हैं, तो मुझे जहाँ 5 क्यूब मिला है वहाँ मैंने 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करे हैं. सो स्टूडेंट्स अगर मुझे ऐसे 6 का फाइंड करना हो, सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन फाइंड 6 क्यूब, तो आप इस पैटर्न की हेल्प से उसे फाइंड कर सकते हो. ऑफकोर्स इट इज़ वेरी सिंपल, आप पैटर्न नोटिस कर सकते हो. जैसे 5 क्यूब फाइंड करने के लिए मैंने 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करे थे, इसी तरह मैं 6 क्यूब फाइंड करने के लिए नेक्स्ट 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड कर दूंगी. सो आई विल गेट 6 क्यूब. नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 6 ऑड नंबर्स क्या होंगे मेरे यहाँ पे, 31 33 35 37 39 and 41. बट आई विल गेट 216, विच इज़ अ 6 क्यूब. तो स्टूडेंट्स सिमिलरली हम 7 क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं इस पैटर्न से, बट बड़े नंबर्स के लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा. सो हम कुछ और तरीका भी देखते हैं फाइंड करने का. ओके okay?